close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on किया और कोई इतना बारिश वाला मौसम है ना, मतलब बारिश हो ही रही है और बहुत ज़्यादा रश भी हो रहा है क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। सामने मॉल ऑफ देहरान है, ये देहरान में ही है, तो जुबेर खूबर तमाम इन सब का जो है किया एक ही है बेचारा। सो काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई है न्यू ईयर एंड की जो है ना, तो न्यू ईयर की मतलब, तो यहाँ पर ये दो मतलब शॉप्स हैं, तो कुछ ना कुछ अगर लेना हुआ ना तो ये ऑफर है, अभी कुछ मिल जाएगा घर का सामान में से। और मैं लगा कर आई हूँ आज न्यू स्कार्फ पिन, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मुंह से भी बोल सकते हैं। वो देखो 32-70%। चलते हैं यहाँ, देखो कितने गहरे हो रहे हैं, वो मुस्तकिल बारिश हो रही है और इतना पानी यहाँ पर हो रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इतनी ठंडक लग रही है। मैं अपनी प्यारी सी क्यूट सी रिंग्स पहन के आई हूँ। यहाँ पर इतनी सारी स्टोर्स हैं, सामने जरीर है, मैक्स है और एप्पल बीज, और हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी पार्किंग का एरिया काफ़ी खाली था, हम लोग पीछे से आ गए और हवा देख रहे हैं आप लुक, तो हवा देखो कितनी हो रही है यार, बहुत सर्दी हो गई है यहाँ पर। आप लोग बताएं आप लोग के यहाँ कितनी सर्दी हो रही है। बाकी बस हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं ना तब मैं व्लॉग बना लेती हूँ, बाकी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, दो तीन क्लिप्स कलेक्ट करके बना। वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पर कि प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, और काफ़ी लोगों ने तो देखे हैं सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। तो बस देखते फिर रहे हैं तो इसलिए मैंने वीडियो बना ली, ताकि जो भी मतलब कुछ स्टोर दिखा दिया आप लोगों को, क्योंकि अभी तक हमें कुछ सामान समझ तो नहीं आया लेने वाला ना, सो इसलिए। Till I get up, time is barely on our side. हम लोग जा रहे हैं ऊपर, सो देखते हैं ऊपर क्या है। तो पीछे की साइड तो फूड कोर्ट है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या पर क्या है। ये है वो वाले ना जो मैं कह रही थी, टू रियाल के ना, ये स्पून्स वगैरह हैंगे टू रियाल में ना। हम लोग जा रहे हैं उस साइड, बाहर जाने कैसे, नहीं वहाँ पर भी वो हैं ये सामान वगैरह ना, सो लिया भी है तो कुछ भी नहीं, बट ये है कि अच्छा टूर हो गया। सो यहाँ पर फूड कोर्ट है और सामने जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारा बना हुआ है, तो देखते हैं क्या खाते हैं। मगरिब की अजान हो रही है, तो खाना साउंड्स गुड लग तो रहा है, अब मुझे तो खुद आइडिया नहीं है, मैंने कभी टेस्ट थोड़ी किया है, बट वो शायद दे देंगे उधर, और नहीं लेना एक ही लेना, नहीं अब एक ही चीज़ क्या दो दो ले लेनी है। पानी लगे चार
ये है माउंटेना वाटर, ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्या चीज़। आ जाओ आगे, फ्रेश ऑरेंज जूस है देना तो। फ्रेंच फ्राइज नहीं है सीधे सीधे इसके पास तो है, समोसे वगैरह है। ये तो पता नहीं क्या है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे पूछो तो समोसों का। यहाँ पर लिखे हैं सारे प्राइस ना। क्योंकि सर में हमें भूख तो है नहीं, अब इतना लेने का क्या फ़ायदा, क्योंकि निकलते हुए पेमेंट करनी है। और पानी नहीं, पानी तो नहीं। पता नहीं, साइड तो इन्होंने बंद की हुई है, वहाँ से जाएंगे। सो वी आर हियर पेमेंट। कॉफ़ी या मिल्क ले? टी। हाँ ना, तो वहाँ से रिफिल करते हैं। उससे पूछो रिफिल है मिल्क टी है, वहाँ से फिल करनी पड़ेगी रिफिल। खा चुकी हूँ, एक समोसा बचा है, ये चाय पी रहे हैं। अब ये चाय ख़त्म कर लें तो रिफ़िल कर सकते हैं, तो मैं अपने लिए लेकर आऊँगी। बाकी ये सारा एरिया, सिटिंग एरिया, यहाँ से बाहर ये सब बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, असल में ना बारिश हुई है ना, उसकी वजह से मेरा काफ़ी गंदा हुआ है। बाकी बहुत प्यारा बना हुआ है ये ना, सब कुछ बहुत खूबसूरत। तो मैं अपने लिए लेने जा रही हूँ चाय। ओके, मुझे लेनी है टी बैग। स्टिक और लेते हैं शुगर। शुगर थोड़ी ज़्यादा लेंगे क्योंकि इन्होंने दो डाली थी, तो कह रहे थे काफ़ी कम हैगी ना, तो एक्स्ट्रा लेकर चलते क्योंकि हम काफ़ी दूर बैठे हैं। हेलो एवरीवन, सो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। मैंने शुरू से रेसिपी स्टार्ट करके नहीं दिखाया क्योंकि फिर कुकिंग व्लॉग मुझे लग रहा है काफ़ी हो रहे थे। और ये किस व्लॉग के साथ आने वाला है, क्योंकि मतलब मैं जब बाहर जाती हूँ ना
तो वो ब्लॉग मतलब बना लेती हूँ, और फिर घर का कोई ब्लॉग बनाती हूँ तो उसको कंबाइन करके एक ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ ना। तो अब देखो, क्योंकि ऐसे ही सही लग रहा है मुझे ना, फिर वरना घर की रूटीन या बाहर का मुस्तकिल दिखा के सब बोर ना हो जाए, तो इस तरह मैं मिक्स कर देती हूँ। तो बाकी ये है कि मैंने अब इसको इसके अंदर ऑयल डाला है ताकि ये भुन जाए, और मैंने इसको चढ़ाया था गोश्त को गलने के लिए जब रख रही थी ना, तो गोश्त के साथ मैंने जो है ना टमाटर और प्याज का ना पेस्ट बनाकर, और सारे स्पाइसेस नमक मिर्च धनिया पाउडर हल्दी ये सारा साथ डाल के ना गलने के लिए रख दिया। और जब ये गल गया तो पानी खुश करके अब ये मसाला और जो है ना ऑयल डाल के भून रही हूँ। यहाँ पर तो भाई मुस्तकिल तकरीबन 2-2 दिन से ना बारिश हो रही है। ये कि यहाँ पर अक्सर पहले भी मेरे ख्याल से हुई थी, फ्राइडे को हुए थे हुई थी बारिश, फिर कल हुई है, और फिर अब आज फ्राइडे नहीं सैटरडे, हाँ फ्राइडे की रात भी और सैटरडे भी। और इसके अंदर मैंने आलू भी ऐड कर दिए और भून भी गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ जितना आपको शोरबा रखना है, और इसी में आलू गल जाएंगे, और जब सब कुछ हो जाएगा रेडी तो हम डाल देंगे गरम मसाला। भूनने के लिए आग भी हल्की कर देती हूँ। सही है, यही तैयार हो गया आलू गोश्त, मैंने रोटी भी बना ली है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये गरम मसाला पाउडर। तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, और ये देखें ये है मेरा आलू गोश्त, इसमें अभी भी बहुत गर्म है ना, इसकी वजह से ना सही पता नहीं चल पा रहा। हाँ ये इस तरह फिर भी समझ आ रहा है ना। ये रहे फ्राइज, ये वाले मैंने बनाए हस्बैंड के लिए, क्योंकि ना मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था फिश मसाला, मैंने सोचा कि उसको फ्रेंच फ्राइज के ऊपर मैरिनेट करके फिर खाया जाए, तो हस्बैंड नहीं खाते हैं, थोड़ा स्पाइसी ना वो तो अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं उनको मिर्ची ही लगती है या जो भी है मतलब ना, वो नहीं खाते। मैं ये चेक कर रही हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक दो कोई मोटा पीस होता है ना वो रह जाता है कच्चा ना। लास्ट टाइम ये हुआ था कि ना हमने बहुत मोटे मोटे काट के इसमें डाल दिए थे, और फिर ना वो आधे कच्चे बने थे और आधे पक्के। तो इसमें ये है कि ना आपको अगर बनाना है ना, थोड़ा सा नहीं मेरे में ऑयल है बस, तो ये हुआ था कि अगर आप क्या कहते हैं इस फ्रेंच फ्राइज बना रहे हो ना, तो सारे तकरीबन एक साइज़ के काटें, क्योंकि अगर आप बनाओगे ना कोई पतले हैं कोई मोटे, तो फिर ना काफ़ी वो हो गया था क्या कहते हैं मसला ना। एक बनाए थे ना लास्ट टाइम मैंने, तो कुछ पतले काट दिए थे कुछ मोटे, तो वो ना मसला हो गया था फिर ना, क्योंकि एक साइज़ के काटो ना तो सही रहते हैं, वरना आधे पतले मतलब पक जाते हैं जो पतले होते हैं फ़ौरन, और जो मोटे होते हैं तो वो नहीं पक पाते। मैंने हस्बैंड के जो पिछले फ्रेंच फ्राइज बनाए, तो उनको ये हो रहा है कि ना थोड़े से इसमें ना ऑयल लगाओ, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ऑयल लगा कर पकाने लगी हूँ, और हमारे फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे बन गए। सो लेट्स देम टेक इट आउट। और यार ये बहुत गर्म हो रहा है, इसका जो ये निकालने वाला टास्क है ना, ये थोड़ा वो लगता है मुझे ना। नीचे का एरिया ज़्यादा गंदा नहीं होता, और इसको डालते हैं, इससे डाल देती हूँ क्योंकि ना इस पे ऑयल लगा हुआ है, मुझे अपने हाथ में गंदे करने। चलो भाई अंदर जाओ। हाँ
इसका हम 2-3 मिनट्स के लिए थोड़ा सा और पका देंगे ताकि ये सही से हो जाए। हमारे फ्रेंच फ्राइज मैं यहाँ से दिखा दूँ, कितने अच्छे बने हैं ना, और इसको टेस्ट करके देखते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है। बन गए, चाय बन रही है, देन हैव इट। तो यहाँ पर ट्रे रेडी है और हस्बैंड सही कह रहे थे, ये देखिए मैंने ऑयल लगाकर, ऑयल बिल्कुल भी ऐसे नहीं, ब्रश से बिल्कुल टच किया था, वो भी एक साइड, दोनों साइड नहीं। और देखें ये शुगर है, अब बिल्कुल सही बने। तो वही बात के प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्योंकि ये तीसरी बार जाकर मुझे पता चला कि इसमें कैसे सही बनते हैं। बाकी इसमें तो वो मसाला था, इस वजह से ये मॉइस्ट हो गए थे। और चाय भी तैयार है, सो नाउ लेट्स हैव दिस। टाटा।